यूनिवर्सिटी के अंदर कोई इख्तलाफ है, न सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ कोई मसला है, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वाजे कर दिया। कहते हैं अली जफर या शेर अफजल मरवत पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, हमारा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला बिल्कुल ठीक था, सेनेट टिकट्स की तकसीम पार्टी पॉलिसी के मुताबिक कर रहे हैं, ये फैसला सबको मानना होगा। के साथ भी इख्तलाफात की खबरें गर्दिश करी, कितनी सदाकत है? नहीं देखे, सुनी इतिहाद के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है और सुनी इतिहाद का फैसला बिल्कुल ठीक था, सही था, बेहतर फैसला था। और हमने तो अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोशिश करते रहे, अपने निशान के लिए कोशिश करते रहे, अपने निशान पर लड़ना चाह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को ये खदशा भी जाहिर किया था कि हमारे साथ बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इसलिए हमने तो अपने स्ट्रगल कोशिश की। दूसरी बात यह कि रिजर्व सीटें मिलना हमारा हक है, इंशाल्लाह ताला आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो हमें ये सीटें ज़रूर मिलेगी। कुर्बानी देने वालों को सेनेट की टिकटें नहीं मिलती, मिर्जा अफरीदी जिन्होंने कॉन्फ्रेंसिस की उनका नाम चला जाता है। हमारे पार्टी में थे और पार्टी के साथ खड़े थे, पार्टी जिसको कंसिडर करती है कि ये इस पोजिशन के लिए इसका एक्सपीरियंस है और ये बेहतर है और ये सीट होनी चाहिए। कोर कमेटी के इजलास में अली जफर और शेर अफजल मरवत पर क्या पाबंदी लगी है? शेर अफजल मरवत ने माजरत देखो नहीं देखो किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगी। हमारी जो कोर कमेटी है वो हम अपने इंटरनल डिस्कशन करते हैं, पार्टी में बाद चीज़ों पर इख्तलाफ भी आ जाए।